सीनियर सहाफी हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा आरई खून रेजी का मंसूबा बनाया है। कौमी सलामती के इदारों को नाकाबले तरदीद सबूत मिल गए हैं। सबूत फिलहाल सामने नहीं लाए जाएंगे और कल का इजलास हो जाए इसके बाद सबूत सामने लाए जाएंगे ताकि अवाम को पता चल जाए कि क्या मंसूबा था। उन्होंने 24 न्यूज से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये सिर्फ हंगामा रही नहीं है, इसमें खूनरेजी भी शामिल है और जो पाकिस्तान में कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनको सबूत मिल चुके हैं, ठोस नाकाबले तरदीद सबूत मिल चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने कल तहरीक अपने अतमाद के मौके पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शदीद हंगामा रही और जलाओ फिराओ और खूनरेजी का मनसूबा बनाया जिसमें वो कुछ अपोजिशन के रहनुमाओं पर हमला भी करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि उनको पार्लियामेंट के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए, जो अंदर दाखिल होगा उसके साथ सीपीआई के एमएलए जो हैं वो मारपीट करेंगे। इसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उन्होंने अपनी काबीना से एक सीनियर वज़ीर के लिए 3-4 दिन पहले अस्करी क़यादत से राब्ता किया था और उनसे कहा था कि आप हमारे लिए कोई सेफ एग्जिट तलाश करें। उसके बाद इमरान खान साहब जिन्होंने उन्होंने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कि हमने भी रब्ता किया था, अस्करी क़यादत हमारे पास खुद आई थी अपोजिशन का पैगाम लेके। आज इमरान खान साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए दोबारा इसकी तरदीद कर दी और कहा कि नहीं, मैंने अस्करी क़यादत से रब्ता नहीं किया था। हमारे पास ये भी सबूत आ गया है कि इमरान खान की काबीना के एक सीनियर वजीर उनका पैगाम लेके अस्करी क़यादत के पास गए थे और तब अस्करी क़यादत ने इस मामले में एक किरदार अदा करने की कोशिश की आइन के अंदर रहकर। लेकिन जो कल जो मनसूबा बनाया गया हंगामा राई का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, उसका जो सबूत है उसको फिलहाल सामने नहीं लाया जा रहा। खुद फैसला ये किया गया है कि पहले पार्लियामेंट का इजलास होने दिया जाए और जब कल तरीकत में इस बात का जो मामला है ये निबट जाएगा उसके बाद ये सबूत सामने लाया जाएगा ताकि कौम को पता चले कि अपना इक्तदार बचाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जिन लोगों ने खूनरेजी का मनसूबा बनाया वो मुल्क के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करना जो है वो कोई जुर्म नहीं। गुफ्तगू आपने सुनी।